Okay, good afternoon class once again. Today we are going to discuss about while loop, and we'll see few questions upon while loop. Then after we'll move to the do while loop. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था while loop से, हम वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद हम नया लूप स्टार्ट करेंगे डू वाइल पे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके क्लास, एक नया प्रोग्राम देखते हैं, नया एक ऑब्जेक्ट देखते हैं. यू हैव टू प्रिंट द अल्फाबेट्स, यू हैव टू प्रिंट प्रिंट द अल्फाबेट्स दैट इज फ्रॉम ए टू जेड यूजिंग व्हाइल लूप. ये क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखना है. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं. तो कोई बताएगा लॉजिक क्या होगा इसका, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, क्लास इनिशियलाइजेशन क्या होगा, क्लास कोई बताएगा? बोलिए. आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो अल्फाबेट्स आप जो प्रिंट कर रहे हो, आप कैपिटल है कि स्मॉल, वो आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे स्काई वैल्यू, व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए प्लस 55, व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड प्लस 90. सो यू विल स्टार्ट, ओके, सो यू विल स्टार्ट योर लूप फ्रॉम द 65 एंड इट विल गो अप टू 90. तो आप यहाँ पे ध्यान दो, इनिशियलाइजेशन जो होगा आप किससे स्टार्ट करोगे, 65 से होगा. बताएगा व्हाट इज कंडीशन, देन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन इक्वल्स टू 90. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट. ओके, बिकॉज आप यहाँ पे एक बार आगे मूव कर रहे हो ना, सो आई प्लस प्लस. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, कि जब आप कोडिंग करोगे तो आपके ध्यान में पड़ेगा आपको ये अल्फाबेट्स प्रिंट कराने, तो ए टू जेड. तो यहाँ पे आपको स्काई वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इसके इक्विवेलेंट मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है. इट इज नॉट अ 65, बट मुझे इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है. दैट इज माय लॉजिक, सिंपल लॉजिक. ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे. Take one editor, new editor. Save your file first. Save like alphabet. Dot C. Okay, class. What is your objective? Print alphabets. That is A to Z using while loop. This is my simple objective. Okay, tell me what is your input, class? Input क्या होगा इसमें? And what is your output? Class, input क्या होगा, output क्या होगा बताओ? Input, what is input? 65 मतलब sky value. No, because आप input कहने का मतलब क्या होगा, जो unknown हमारे लिए ना. Input इसमें क्या है? कुछ है हमको जो user से लेना है? Sir, letter capital चाहिए कि small? मैंने लिखा ना कैपिटल, लिखा ना यहाँ पे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड लिखा. कुछ ऐसा इनपुट जो हमको यूजर से चाहिए, कुछ है क्या? नंबर ऑफ अल्फाबेट. नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको पता है 26 अल्फाबेट्स होंगे जो अननोन है, कि जो हमको यूजर से कुछ है क्या इनपुट फ्रॉम द यूजर? राइट अल्फाबेट ए टू जेड, नो इनपुट. हमको इनपुट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको सारी चीज इन्फॉर्मेशन हमको पहले से पता है. वॉट इज इन्फॉर्मेशन, आई नीड टू प्रिंट अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, सिंपल. और इसके अलावा मुझे कोई इनपुट नहीं चाहिए, हमको इनपुट यहाँ पे जरूरत नहीं है. सिंपल आउटपुट क्या होंगे, आपको अल्फाबेट्स प्रिंट कराना है, सिंपल. द अल्फाबेट विल बी आउटपुट. स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना. हैश इंक्लूड
हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंड हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच. दीज आर माई हेडर फाइल्स. वॉइड मेन क्लास कोई बताएगा हमें यहाँ एक लूप चलाना पड़ेगा. लूप के लिए क्या वेरिएबल ले लो, सपोज मिले आई. स्क्रीन क्लियर कर लो, स्क्रीन विल बी क्लियर्ड. अच्छा इनिशियलाइजेशन मैंने बताया था, इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा क्लास, क्लास कहाँ से होगी? 65. उसके बाद एक वाइल लूप लगा लो. वाइल लूप आई लेस देन इक्वल्स टू 9th तक लूप चलेगा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग का लिए कोई मुझे बताएगा आगे प्रिंट हम क्या लिखे यहाँ पे? प्रिंट एफ क्या लिखे? परसेंट 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 सी क्या लिखे बताओ? परसेंट लिखे परसेंट से बेटा परसेंट 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 सी. एक मिनट से नोट करना. हेलो ओके क्लास क्लास टेल मी ये परसेंट भी होगा परसेंट है मुझे क्या प्रिंट कराना ध्यान रखो क्या प्रिंट कराना आपको कैरेक्टर कैरेक्टर परसेंट सी एंड आई मैं बताऊंगा इस पे कैसे हो रहा है देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिस इज माय कंडीशन ओके दिस इज योर इनिशियलाइजेशन initialization and what is your increment here I plus plus this is your increment increment okay get ch save file again compiler code no error run your code क्लास दिखा विजिबल है ए टू जेड क्लास यस सर आप यहाँ पे यस सर आप यहाँ पे चाहो तो एक ऐसा ले सकते हो यहाँ पे स्पेस दे दूँ ताकि आप जो नया करेक्टर जो प्रिंट हो रहा है स्पेस और के बाद वो प्रिंट हो आप ऐसा भी लिख सकते हो हेडिंग में पॉइंट क्लास यस सर बट प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देखो यू आर पासिंग यूर इंटीजर वैल्यू यू आर पासिंग यूर इंटीजर वैल्यू आई एम जस्ट प्रिंटिंग बट करेक्टर वैल्यू तो यहाँ पे क्या होता है बेटा इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में यहाँ पे क्या होगा इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है बेटा सिस्टम सिस्टम इज डूइंग द टाइप कास्टिंग जहाँ पे इम्प्लिसिट वर्ड आया ध्यान रखना सिस्टम सिस्टम मीन्स हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारा कंपाइलर है वो कन्वर्ट करके दे रहा है बिकॉज आई एम पासिंग ओवर इंटीजर वैल्यू बट आई एम प्रिंटिंग दिस इंटीजर इनटू कैरेक्टर वैल्यू तो ये क्या करता है बेटा इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं जो हमारा सिस्टम जो है हमारा कंपाइलर खुद करके देगा हमको नहीं करना पड़ेगा या फिर आप चाहते हो कि आप खुद से कंपेयर करो तो यहाँ पे आप एक आप ले सकते हो यहाँ पे यू नीड टू प्रिंट पेयर नाउ दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अभी कंफ्यूज मत हो ना इसमें डिटेल में आऊंगा वापस देखो प्रोग्राम इज रनिंग तो अभी क्या कहलाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तो अभी भूल जाओ इसे एक बार हम इसका पूरा टॉपिक चैप्टर एक अलग से हम पूरा पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर ठीक है ओके क्लास अगर मुझे स्मॉल वैल्यू प्रिंट करानी है अभी मुझे स्मॉल लेटर प्रिंट करानी है क्या करें क्लास मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है ए टू जेड स्मॉल जेड टू स्मॉल जेड क्या करें बताइए इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी
97 लूप कहां तक चलेगा आपका? 122 ओके ग्रेट सिंपल बाकी सब चीजें रहेंगी देख लो इसमें कैलकुलेट आया क्लियर है क्लास क्लियर है यस सर अच्छा मेरे से क्वेश्चन आपसे डाउट है मुझे नंबर्स प्रिंट करानी है मुझे नंबर्स प्रिंट करानी है 0 to 9 यूजिंग लूप क्या करोगे क्योंकि कैरेक्टर है बताओ 48 वेरी गुड ASCII कोड ASCII कोड है 48 ये कहां तक जाता है आपको पता है क्या 57 अब यहाँ पे देख ध्यान दो आप आउटपुट आपका आएगा नंबर्स में बट देखो यहाँ पे मैं कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ दिस विल शो कि नंबर जो आपको कीबोर्ड में वो भी एज अ कैरेक्टर काउंट होता है हमारे लैंग्वेज पे देख दिखाते हैं आपको देखो देखो 0 to 9 देखो क्लास में यहाँ पे क्या प्रिंट किया है परसेंट सी प्रिंट किया है मतलब जो डिजिट्स जो आप उसकी ASCII वैल्यू है वो भी एक कैरेक्टर है तो मैं एक चीज आपको बार बार बोलता हूँ एनीथिंग विच इज हैविंग ASCII वैल्यू विच विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर एनीथिंग which is having ASCII value will be treated as a character. Getting my point, class? Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, this was all about while loop. अभी तक कोई doubt है while loop के लाम? उसमें कोई doubt है while loop में? कोई program आपको फिर समझना है? कि आगे बढ़े? बन जाएंगे सारे program? Class, please respond. Yes, sir. Okay. So next chapter, next topic we are going to start using do while loop. आपको पता है while loop क्या होता है? Do while loop. आप यहाँ पे syntax देखना, ठीक है? एक second. What is syntax of while loop? क्या था syntax क्या था यहाँ पे class? यहाँ पे क्या pass करते हम लोग? Condition. Condition pass करते हैं. Condition. Opening and closing curly braces compulsory है कि अगर single statement हुआ तो? Is it compulsory? No, sir. No. अगर आपके पास एक साधे statement है, no, it is compulsory. है ना? Class, you remember? वो statement one है, और statement two हो गया. मैं दो statement लिखा, opening and closing के लिए बना. That's it. Okay. अब मैं आपको दोनों में comparison समझा रहा हूँ कि while और do while में क्या difference है. Do while का syntax मैं पहले बता रहा हूँ. यहाँ पे लिखो simple do, small d, small o, opening curly braces, simple यहाँ पे लिखोगे आप लोग. स्टेटमेंट वन अगेन स्टेटमेंट टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और यहां पे आप लिखोगे वाइल यहां पे आप पास करोगे कंडीशन और यहां पे रहेगा आपका सेमी कोलन क्या रहेगा बेटा यहाँ पे क्या रहेगा क्लास यहाँ पे सेमी कोलन क्लास सेमी कोलन यहाँ पे सेमी कोलन रहेगा क्या यहाँ पे नो सर नो So this is the syntax. These are two syntax. This is while loop and this is do while loop. तो मुझे बताओ यहाँ पे condition पहले check होगा, then after that if condition is true, then only statements written inside this while loop will be executed. Class, getting my point? Class, if the first condition will be checked, first condition will be checked. If condition is true, then only statements inside this while loop will be executed. If condition is false, then statements will not be executed. I hope this is clear. I hope this is clear. Clear class? Yes, sir. Yes, After, sir. But in do while loop, you can see the first, these two statements will be executed. First, these two statements will be executed. Statement one will be executed. Statement two will be executed. After that, the condition will be checked. After that, the condition will be checked. If condition is true, then it will go again inside this while loop. If condition is false, the loop will be terminated. Loop will be terminated. My question is, यहाँ पे बताओ बेटा अगर while loop में condition false है, तो मेरे loop कितनी बार execute हुआ? सर एक बार. While loop की बात कर रहे हैं. Sorry sir. सर नहीं होगा. नहीं होगा. Execute. If while loop, if condition is true, ये loop आपका terminate हो जाएगा. But in do while loop, अगर condition false भी है, तो कितनी बार execute हो रहा है मेरा code? Loop आप कितनी बार execute होगा? One time. Good. One time, good. The first difference. Second difference, इसमें condition पहले check होती है और इसमें condition बाद में check होगी. Class, getting my point? After execution of the statement, condition will be checked.
इसीलिए हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे हम वाइल को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, याद है क्लास मैंने आपको बताया था यस सर एंट्री कंट्रोल यस सर। अच्छा आप लोग बताओ कॉमन सेंस से क्या बोलेंगे, डुअल को क्या बोलेंगे? एग्जिट कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल लूप, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जिट द कंडीशन इज चेक, अगर कंडीशन फॉल्स भी हुआ तो हमारा इस वाइल लूप में एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा स्टेटमेंट, बट इन डू वाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही ऑल्दो द कंडीशन इज फॉल्स। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? द फर्स्ट डिफरेंस बताओ मुझे, पहला डिफरेंस बताओ दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? द फर्स्ट डिफरेंस क्लास वाइल को हम क्या बोलते हैं क्लास? एंट्री है ना कंट्रोल लूप, एंड हम डू वाइल को बोलते हैं, डू वाइल को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, पहला डिफरेंस। ओके टेल मी व्हाट इज सेकंड डिफरेंस क्लास, आप मुझे बताओ बताओ क्या होता है सेकंड डिफरेंस क्या होगा? इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन व्हाइल, इफ द कंडीशन इज स्पेलिंग आप देख लेना, if the condition is false then it not going to execute, it won't execute the statement hai na, it won't execute the statements theek hai। ab mujhe aap log batao do while mein if agar condition false hua kya ho batao? if even if the condition is false ha huh? even if the condition is false then it will execute one time, it will execute statements for once, okay। and what is next difference class bataiye kya hoga next difference kya hoga bataiye क्लास नेक्स्ट डिफरेंस कंडीशन पहले चेक होती है, कंडीशन इज चेक हां फर्स्ट इन व्हाइल लूप में क्या होगा कंडीशन इज चेक फर्स्ट है ना, व्हाइल लूप में क्या होगा कंडीशन इज कंडीशन इज चेक फर्स्ट फर्स्ट और डू व्हाइल में क्या होगा do while condition is checked at last। और कोई डिफरेंस आ रहा है क्या समझ, और कोई डिफरेंस स्टेटमेंट ध्यान रखो, और कोई डिफरेंस क्लास? सेमीकोलन, सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन आ रहा है ठीक है। सिंटैक्स वाइज आप चाहो तो चौथा आप लिख सकते हो सिंटैक्स, ये 2 मार्क्स लेकर पूछा है ना, 2 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा सी और सी प्लस डू वाइल और वाइल में डिफरेंस तो आप चौथा में आप क्या लिख दो सिंटैक्स लिख देना इसका। क्लियर है क्लास, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। अच्छा आप लोग मुझे yes, अभी एक काम करते हैं, अभी मैं जस्ट रिसेंटली एक प्रोग्राम बनाया ना, सेम प्रोग्राम को बनाते हैं डू वाइल से, स्टार्ट करें सेम प्रोग्राम बनाते हैं डू वाइल से, आपको ए टू जेड प्रिंट कराना है यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप। अभी हमने वाइल लूप में कैसे किया था क्लास, क्लास वाइल लूप हम कैसे किया था बेटा, यहाँ पे 97 से स्टार्ट किया था, कहाँ तक लिया था हम लोग कंडीशन, कहाँ तक चला था हमारा 122 और आउटपुट आता है ए टू जेड। सेम प्रोग्राम मुझे बनाना है डू वाइल से क्लास। यस सर, यस सर। तो अभी एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से जो आपने लिखा ना ये पूरा एज इट इज, मैं इसको मैं कंटेंट इसको हटाता हूँ, हम सेम प्रोग्राम बनाएंगे डू वाइल से। ये आपका वाइल लूप था यहाँ पे यूजिंग वाइल लूप, अब हम काम करते हैं सेम प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग डू वाइल लूप, यूजिंग डू वाइल लूप। ओके क्लास स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्लास। यस सर। अच्छा मुझे आप बताओ डू वाइल का सिंटैक्स क्या है, डू वाइल का सिंटैक्स क्या है बताओ, पता है ना सबको डू वाइल का सिंटैक्स बताओ। सबसे पहले बता दो 3 चीजें आपको याद रखनी है, याद है क्लास बार बार चीजें बोलते थे, अभी अब समझ आ गया क्यों 3 चीजें याद है। पहला क्या था इनिशियलाइजेशन, क्लास याद है
इनिशियलाइजेशन हमेशा लूप के बाहर होगा, है ना। तो क्या लिखा यहाँ पे, हम एक वेरिएबल ले रहे आई को चुका जाएगा 97 इनिशियलाइज किया। ओके व्हाट इज नेक्स्ट थिंग क्लास, कंडीशन। हम यहाँ पे कंडीशन हमारे यहाँ पे आता है व्हाइल में, डू व्हाइल में, यहाँ पे क्या पास करोगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 122 और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा क्लास, आएगा यस सर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या है आपके, प्रिंट है, ये हो जाएगा आपका स्पेस दे दो, परसेंट सी हाँ कॉमा कॉमा आई, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर रहेगा, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्लास बहुत सिंपल है ना, अगर आपको व्हाइल लूप आता है तो डू व्हाइल आपसे बन जाएगा, सिंपल है क्लास। यस सर, यस सर। डाउट को, डाउट किसी को, को डाउट किसी को, रन करके देखो, सिंपल ए टू जेड आपका प्रिंट। आई होप ये सिंटेक्स क्लियर है सबको। यहाँ पे सेमीकोलन यूज होगा बेटा, यहाँ पे सेमीकोलन विल बी यूज्ड ओवर हियर, बट व्हाइल लूप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, सेम प्रोग्राम जो हमने व्हाइल लूप से किया था, एनी नंबर, आप मुझे हेल्प करना, ठीक है, कोड नहीं देखना आप लोग, एनी नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग क्लास, हैश इंक्लूड। अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि इसमें इनपुट क्या होगा, क्लास इनपुट क्या होगा बेटा इसमें, एनी नंबर, एनी नंबर, गुड, कोई नंबर आप इनपुट लोगे, और आउटपुट क्या प्रिंट करो, आउटपुट क्या होगा, टेबल ऑफ डेट नंबर, टेबल ऑफ डेट नंबर, ठीक है, ये हमारा इनपुट आउटपुट क्लियर है, डिफाइंड है। देन आफ्टर दैट ये हैश इंक्लूड, ये तो सबको क्लियर है ना, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट, गुड, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड एसटीडी आई डॉट एच, एसटीडी आई डॉट एच, ओके। अभी मुझे बताओ आप लोग, वॉइड मेन, मैंने फंक्शन मेन फंक्शन लिखा, देन आफ्टर दैट ओके अभी क्या होगा बताओ, क्लास मुझे वेरिएबल लगेगा ना, एक नंबर चाहिए मुझे इनपुट के लिए, बिकॉज मुझे एक नंबर चाहिए ना यूजर से इनपुट। आप ध्यान रखो बेटा, इनपुट क्या चाहिए, जो अननोन हो, जो मुझे यूजर से चाहिए, तो आप नंबर लोगे पहले कि भाई मुझे नंबर किसका प्रिंट करना, टेबल का, सो दैट यू हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। द नेक्स्ट थिंग इज स्क्रीन विल बी क्लियर, व्हाट इज नेक्स्ट क्लास, प्रिंट एफ, प्लीज एंटर any number to print the table, to print the table, okay। आगे क्या करें हम लोग, scanf, scanf then percent d, because decimal number will be required, then address of num, now this is clear। अभी आपको loop लगाना है, loop के लिए एक variable ले लो, कौन सा variable ले, the famous variable आपका i, i, आज बताओ मुझे initialization क्या होगा यहाँ पे, initialization I is equal to 1. Very good. ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, शाबाश। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ओके। देन आप क्या करें आगे, डू ओपनिंग क्लोजिंग व्हाइल, व्हाट इज कंडीशन क्लास, कंडीशन क्या होगी, I is less than equal to 10. Very good. यहाँ पे सेमीकोलन आएगा नहीं आएगा, आएगा सर, सर आएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ, मुझे प्रिंट कराना है ना, प्रिंट है, क्या मुझे प्रिंट करना है बेटा, यहाँ पे परसेंट डी कॉमा कॉमा यहाँ पे हो जाएगा, मुझे आगे क्या करें, मुझे मल्टीप्लाई कराना है ना, क्या होगा बताओ, नम इनटू आई, हाँ नम इनटू आई, नम इनटू आई, करेक्ट है, नम इनटू आई मुझे प्रिंट करा लो, ठीक है। और आई प्लस प्लस होगा कि डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट ना, इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे सिंपल गेट सी एच, दैट्स इट। फाइल को सेव करो, सेव टेबल टू, एक और प्रोग्राम बनाया इसलिए टेबल टू करते हैं, ठीक है। योर कोड मैंने सब बदल दिया, 5, ओके ओके ओके, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है, स्लैश है, स्लैश है, न्यू लाइन, हाँ न्यू लाइन से लाइन है ना, ओके प्लीज एंटर, उसमें लिखा 6, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर है क्लास, कैसे हो रहा है, यस सर, मैं इसका फ्लो बताऊंगा कि प्रोग्राम का कैसे फ्लो कैसे होगा, बट थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लो, याद है मैंने बताया था परसेंट डी
इनटू इक्वल्स टू परसेंट डी. तो पहला परसेंट डी आपका नम, सेकंड परसेंट डी है आई, थर्ड परसेंट नम इनटू वाई. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है. तो ये आउटपुट आएगा. क्लियर है क्लास? क्लियर है? Yes, समझा दें एक बार कि आगे बढ़े, समझा दें क्लास की बन गया, बन जाएगा सबसे. कोई है क्या जो क्लास में डाउट है कि एक्सप्लेन करें? कोई है? तो दिस इज कंडीशन. बेटा प्रॉपर आप ना कमेंट्स लिखना, ठीक है? और ये आपका है दिस इज व्हाट इज दिस? इंक्रीमेंट. ओके, तो आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा. ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बनाया होगा और वो हम उसको दोबारा से ट्राई करें, कुछ है क्या बनाए क्या? हाँ बोलो सर. हमको अगर एक साथ दो तीन नंबर का टेबल प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे? हाँ सर, आप उसको दोबारा से करा सकते हो. यहाँ पे आप ऑप्शन पूछ लो. कैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन पूछ लो, यू वांट टू कंटिन्यू, है ना? मैं उसमें आऊंगा. जो मैनेजमेंट प्रोग्राम जो बोल रहे ना, वो बार बार रिपीट कर सकते हो डू वाइल से. ठीक है, मैं एक बार ये डू वाइल कंप्लीट करना दो, लास्ट मोर प्रोग्राम में कराऊंगा. जब आप जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपने किसी कोड को रन करना चाहते हो, आप यूजर से पूछो डू वांट टू कंटिन्यू. अगर उसका रिस्पॉन्स यस आता है तो मैं आगे फिर से लूप चलाते जब तक कि वो यस बोलते आएगा. वो मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा. ठीक है, लास्ट में जब मैं डू वाइल कंप्लीट करूंगा देन आई विल टेल दिस थिंग. उसके अलावा कोई डाउट? उसके अलावा क्लास और कोई डाउट? डू वाइल रिप्लेसमेंट है कि ऑप्शन? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं बेटा, ये भी रिप्लेसमेंट है ना, ऑप्शन है ये. जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जहाँ पे आएगा, देखो एक बार क्या होता है, जिसमें अभी क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर मुझे एक बार कम से कम ऐसे कोई कंडीशन है जहाँ मुझे कम से कम एक बार रन कराना ही पड़ेगा, वहाँ पे हम डू वाइल यूज करते हैं. तो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, कहीं पे डू वाइल ज्यादा सूट करेगा, कहीं पे वाइल सूट करेगा. ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है कोई ऑप्शन है, ये वो रिक्वायरमेंट पे है. समझ गए? यस सर. हाँ, वो रिक्वायरमेंट पे. आप लोग जब थोड़ा सा और जब एक आध दो प्रोग्राम और करोगे, आपको समझ आएगा कि डुआइल मुझे कहाँ यूज करना है. जैसे अभी डाउट पूछा एक बच्चे ने, वहां पे हम यूज करेंगे. जहाँ पे आप कम से कम यूजर से पूछोगे कि यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम उसको डुआइल यूज करेंगे. मैं उस पर आऊंगा लास्ट में जब डुआइल कंप्लीट करने के बाद. और कोई डाउट इसके अलावा क्लास? आगे बढ़े. यस सर. ओके, ऐसा कोई प्रोग्राम है जो वाइल से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम इसको डुवाइल से बना लेंगे? कौन सा प्रोग्राम बनाए क्या? प्रॉब्लम बताओ जहाँ सेम प्रोग्राम डुवाइल से बनाएंगे. बताइए कौन सा प्रोग्राम बनाए तुमने वाइल से बनाया था, वो प्रोग्राम चाहते हो कि मैं डुवाइल से बनाऊँ? बताओ. प्राइम नंबर. चलो ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ठीक, नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग डू वाइल लूप. ओके क्लास, व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होगा इसमें? एनी नंबर. हाँ, और आपको चेक करना है चेक प्राइम और नॉट. आपको ये मैसेज आना चाहिए. ठीक है, मुझे आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, या आपको आउटपुट आना चाहिए. तो यहाँ पे एक इनपुट ले लो प्राइम नंबर के लिए. इंट आपको नंबर इनपुट ले लो, सिंपल CLR SCR. ओके, प्रिंट एफ प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है, आगे आप लिख लेना. आगे क्या करें क्लास हम लोग? स्कैन एफ आगे परसेंट कॉमा एड्रेस ऑफ नाम. गुड, ये हमने नंबर इनपुट ले लिया. आपको लूप चलाना है, याद है मैंने बताया था व्हाट इज प्राइम नंबर क्लास? रिमेम्बर? यस सर. व्हाट इज प्राइम नंबर? यस सर. हाँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे हेल्प करना. जैसे आपने 7 मुझे चेक करा, आपने 7 इनपुट किया, तो मैं क्या करूंगा बेटा, लूप चलाऊंगा 1 से लेके, है ना, सॉरी 5 6 और 7. क्लियर है क्लास? मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेके पूरा 7 तक लूप चलाऊंगा, और हर बार जो वैल्यू है मैं उसको डिवाइड करते जाऊंगा 7 से, चेक करते जाऊंगा. मतलब आप जो नंबर आपने इनपुट किया है, आपने सपोज नंबर इनपुट किया होगा 7, तो मैं हर बार क्या करूंगा, मॉड निकालते जाऊंगा. 7 mod of 1, 7 mod of, याद है क्लास मैंने बताया था, 2
सेवन यस सर मोड ऑफ थ्री सेवन मोड ऑफ फोर सेवन मोड ऑफ फाइव सेवन मोड ऑफ सिक्स एंड सेवन मोड ऑफ सॉरी सॉरी सेवन मोड ऑफ सेवन और मैं हर बार चेक करते जाऊंगा कि डिवाइड हो रहा है तो इसके इसमें आउटपुट क्या आएगा क्लास आउटपुट क्या आएगा रिमाइंडर कितना आएगा इसमें जीरो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा जीरो आएगा क्या क्लास जीरो आएगा क्या यहाँ पे नहीं आएगा हाँ जीरो नहीं आएगा ना और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा जीरो आएगा क्या सेवन मोड ऑफ फोर नो सर सेवन मोड ऑफ फाइव नो सर नहीं सेवन मोड ऑफ सिक्स जीरो आएगा सेवन मोड ऑफ सेवन जीरो आएगा यस सर आप देख रहे हो अगर कोई नंबर अगर प्राइम है कोई नंबर प्राइम है तो यहाँ पे सिर्फ टू टाइम्स ये और ये कि मुझे वो दो बार ही काउंट की वैल्यू मुझे एक वेरिएबल ले लो काउंट करके काउंट आप किसी ने स्टार्ट करो जीरो से स्टार्ट करो काउंट ले लो एक वेरिएबल काउंट और स्टार्ट इनिशियलाइज करो इसको जीरो से जैसे डिवाइड हुआ जैसे जीरो आया आप काउंट को बढ़ा दो याद है क्लास मैंने बताया था एक काउंट को बढ़ाते जाओ तो यहाँ बताओ कितने बार काउंट बढ़ा एक बार यहाँ बढ़ेगा और एक बार यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी होगी काउंट की वैल्यू कितनी होगी तो मैं यही लॉजिक अप्लाई करूंगा एक मैं क्या करूंगा लूप लगाऊंगा लूप कहाँ स्टार्ट होगा वन से लेके कहाँ तक चलेगा क्लास कहां तक चलेगा सेवन तो सेवन आपने इनपुट लिया नम तक चलेगा एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे आप बता रहे हो यहाँ पे आप मुझे बताओ इनिशियलाइजेशन क्या होगी आई इक्वल्स टू क्या होगी वन और कंडीशन क्या होगी आई लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन क्या होगी नम तक नम और आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस और आप बार बार चेक कराओ अब यहाँ पे देखो इस पैटर्न को देखो बेटा आप लोग पैटर्न में क्या समझ आ रहा है सेवन ये आई की वैल्यू क्या सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये ऊपर देखो यहाँ पे सेवन हर बार सेवन है ये सेवन क्या है पैटर्न नम मोड ऑफ आई और आपको चेक करने के जीरो आ रहा नहीं आता आप क्या करो इक्वल इक्वल टू जीरो अगर जीरो आ रहा है तो काउंट क्या कर दो प्लस प्लस गेटिंग में पॉइंट और नॉट प्लस है ना सिंपल सेम प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग यूजिंग डू व्हाइल्स ठीक है तो वहां पे अपने इनपुट ले लिया आपको एक वेरिएबल लगेगा लूप चलाने के लिए दैट इज आई आपने यहाँ पे लूप लगा लो ये आई इक्वल्स टू वन आपने बताया ये आपका क्या है क्लास है इनिशियलाइजेशन है इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ओके अब व्हाट इज कंडीशन कंडीशन के लिए हम कहाँ यूज करते हैं यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन व्हाइल कंडीशन क्या होगी क्लास आई लेस देन इक्वल्स टू नम नम को बनाएगा यहाँ पे यस सर अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन किए रास्ते पर तो बहुत बढ़िया अच्छा किया सर लीव हो गया था गलती से ठीक है हाँ आगे मुझे बताओ मैंने लूप लगा लिया आगे बताओ क्लास क्या करें बताओ क्या लॉजिक क्या लगाना है मुझे बताइए प्रोग्राम नहीं देखना पुराना बोलो इफ इफ नम मोड ऑफ आई वेरी गुड नम मोड ऑफ आई आई इक्वल इक्वल टू 0 अगर जीरो आ गया तो एक वेरिएबल ले लो याद है मैंने बताया था आपको उसको इनिशियलाइजेशन क्या करो जीरो से करो बिकॉज काउंट को अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूं तो गार्बेज में इनिशियलाइजेशन होगा है ना क्लास तो क्या हो जाए बेटा काउंट प्लस प्लस जीरो आ रहा तो और आप यहाँ पे इन्हें अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस ये क्या है मेरा इंक्रीमेंट कितनी चीज आपने लिख लिया ये लूप कंप्लीट होने के बाद लूप कंप्लीट होने के बाद आप चेक करो इफ क्या करें आगे काउंट इक्वल इक्वल टू काउंट इक्वल इक्वल टू जीरो टू फिर यहाँ पे चेक करो अगर काउंट लो टू आ रही है देन नंबर इज प्राइम Very good. Number is prime. इसके बाद else क्या करें क्लास बताइए प्रिंट है नॉट प्राइम नंबर इज नॉट प्राइम नॉट प्राइम नंबर इज नॉट प्राइम दैट्स इट देखते रन करा के एक बार ये नंबर 34 34 प्राइम है कि नहीं है क्लास नहीं है सर नहीं है नंबर इज नॉट प्राइम ओके
79 प्राइम है? यस सर, नंबर इज प्राइम. गुड. सो नंबर इज प्राइम आपको चेक करना पड़ेगा हर बार. अरे अरे बैठो. हाँ बस एक क्लास. अरे बैठो ना यहाँ पे. मैं आ रहा हूँ, ये सामने एक क्लास रूम के सामने. हाँ सर. हाँ वो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन जो पब्लिकेशन है फैकल्टीज का ना वो चीज है. हाँ तो कम्युनिकेटेड होगा. हाँ तो वही वही भेज दो. कम्युनिकेटेड भेज दो. नहीं कम्युनिकेटेड मतलब आपने अप्लाई किया होगा जर्नल में बट वो अब तक अप्रूव नहीं हुआ होगा. आपने कम्युनिकेट किया वो भेज दो प्रूफ. हाँ वो नहीं वो नहीं. सुनो मैं आपको दो मिनट लगाऊं. क्लास चले गए. मैं क्लास चल रहा हूँ. अब नंबर क्या है इधर कौन मंत्री बन. ठीक है सर. हाँ क्लास मैं कहाँ पे था यार. रन करा के देखें. 13 प्राइम है क्लास. यस सर. हाँ 13 प्राइम. ओके सो आई होप ये क्लियर है. एक बार एक्सप्लेन करूँ मैं. समझ आ रहा है? एक्सप्लेन कर दूँ एक बार. सर काउंट प्लस प्लस को काउंट इक्वल टू वन भी ले सकते हैं ना. काउंट फिर मैं उसको चेंज करना पड़ेगा. मैं एक बार बता दूं. चलो एक बार इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको जो डाउट है उसको क्लियर करता हूँ. एक बार इसको देख लेता हूँ. ठीक है. ओके क्लास टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव. क्लास थ्री वेरिएबल्स. थ्री या टू प्लीज मेक इट श्योर. थ्री. ओके the first thing is num, second is i and third is count. ये आपका है num variable है. उसके बाद है आपका i और ये आपका है count. Count में यहाँ पे num की value क्या होगी class? Num की value क्या होगी? Garbage value. I की value क्या होगी? Garbage value. Count आपका नहीं slice कितने zero से. Zero. Suppose location 1000, का location 2000. ये लोकेशन आपका 3000 ये स्टोर है लोकेशन मेमोरी पे. ठीक है. उसके बाद आपने किया प्लीज एंटर नंबर. दिस माय आउटपुट स्क्रीन. ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है. आउटपुट स्क्रीन. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो. ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखाएगा. प्लीज एंटर नंबर थे आउटपुट स्क्रीन में आएगा. क्या लिखा आपने? प्लीज एंटर एनी नंबर. नंबर बोलो जो मुझे चेक कराना है. क्लास फाइव ले ले. फाइव प्राइम है कि नहीं है क्लास? प्राइम है. प्राइम है. ठीक है प्राइम ले लेते हैं. ठीक है फाइव एंटर किया आपने. ये फाइव कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एड्रेस ऑफ नम में. नम. हाँ ये फाइव यहाँ पे आ गई. गुड. उसके मैंने क्या किया आई इक्वल इनिशियलाइजेशन वन किया. आई इक्वल कितना हो गया क्लास यहाँ पे? वन. अब यहाँ पे देखो बेटा ये आपका यहाँ से यहाँ तक लूप है बेटा जो बार बार चलेगा है ना. ये लूप पे ध्यान रखो. यहाँ से यहाँ तक लूप कहने मतलब क्या हुआ जो बार बार रिपीट होते हैं. लूप बेसिकली हम इसको ऐसे रिनोट करते हैं एक सर्कल के फॉर्म में. लूप चलते जाता है बार 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 अंटिल अनलेस द कंडीशन इज ट्रू. तो आप यहाँ पे ध्यान दो ये आपका जो डू है आपके यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये आपका एक लूप है. ये तब तक एग्जीक्यूट जब तक कि आपने कंडीशन आपका ट्रू है. ये इतने स्टेटमेंट्स. ओके द फर्स्ट थिंग इज ये डू वाइल के अंदर है बिकॉज पहले मैंने बताया था डू वाइल में क्या कंडीशन पहले चेक नहीं होता पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद कंडीशन चेक होती है. तो यहाँ पे ध्यान दो नम मॉड ऑफ आई. नम कितना है क्लास अभी? फाइव. क्लास ध्यान दो मॉड ऑफ आई. आई कितना अभी अब क्या? वन. तो ये फाइव मॉड ऑफ वन कितना होगा? जीरो. जीरो होगा ना? यस सर. जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल इक्वल टू जीरो. कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कंडीशन ट्रू होने पे कहाँ जाएगा? काउंट पे जाएगा. तो काउंट आपका देखो जीरो था पहले से. अगर सोचो इनिशियलाइज नहीं किया होता तो गार्बेज प्लस प्लस हो जाता. तो अभी काउंट है जीरो है तो जीरो में इंक्रीमेंट कितना होगा? जीरो में इंक्रीमेंट कितना होगा? वन. काउंट आपका हो गया वन. ये एक बार ये आपको चला मैंने बताया बार बार नहीं चले बिकॉज ये लूप नहीं है ये कंट्रोल स्टेटमेंट है. याद है क्लास लूप में डिफरेंस क्या होता है? ये बार बार रिपीट हो यहाँ पे कंडीशन बार बार चाहिए. यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ एक बार कंडीशन चेक हुआ दैट्स इट. उसके बाद क्या हुआ क्लास? आई प्लस प्लस. आई कितना हुआ इस बार? पहले वन था कितना हो गया अभी? टू. तो बाद यहाँ पे देखो कंडीशन चेक होगी.
टू लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना, ट्रू हो गया। फिर अगर कंडीशन ट्रू होने पे वापस जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करो नम मॉड ऑफ आई, नम आपका है फाइव, मॉड ऑफ आई, आई कितना हो गया इस बार आपका टू, नम मॉड ऑफ टू कितना होगा, फाइव मॉड ऑफ टू कितना होगा वन, वन वन इक्वल इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स, इफ में नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा आई प्लस प्लस में, आई हो गया आपका इस बार आपका थ्री, आई हो गया आपका इस बार थ्री। क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास? यस सर, है ना, आई प्लस प्लस उसके फिर से कंडीशन देगा थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है, फिर जाओगे नम मॉड ऑफ, तो आपका नम आपका फाइव, मॉड ऑफ आई कितना आपका थ्री, नम मॉड ऑफ थ्री कितना आएगा क्लास, टू आएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड, यस सर, यस सर, टू इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, 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 तो काउंट नहीं, अंदर नहीं आएगा, सीधा आएगा आई प्लस प्लस, तो आपका आई हो गया इस बार आपका फोर, फोर आई बिकम्स फोर, फोर लेस देन और इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, फोर लेस देन इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ फिर से, हो जाएगा फाइव मॉड ऑफ फोर, फिर से रिमाइंडर आएगा तो अंदर इफ में नहीं जाएगा आई प्लस प्लस, तो आपका यहाँ पे जो फोर था कितना हो जाए आपका यहाँ पे फाइव, फाइव लेस देन और इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ फाइव मॉड ऑफ फाइव कितना आएगा क्लास, जीरो, जीरो इक्वल इक्वल, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू, True. तो काउंट आपका फिर से इंक्रीमेंट हो गया, अभी वन था कितना हो गया आपका टू, फिर हो जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई आपका जो फाइव था कितना हो गया इस बार आपका सिक्स, सिक्स लेस देन और इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, 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 तो ये अभी टर्मिनेट होगा बिकॉज कंडीशन फॉल्स हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया, देन नीचे आना तो काउंट इक्वल इक्वल्स टू टू, मैंने यहाँ पे चेक करा लिया, काउंट अगर टू है तो नंबर इज प्राइम, तो आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज प्राइम। क्लियर, समझ आ रहा है क्लास? यस सर, यस सर। अच्छा एक काम करें, जो आप जो एक डाउट पूछे थे, बच्चे ने डाउट पूछा कि जैसे आपने यहाँ पे लूप कहाँ स्टार्ट किया, अगर आपने फाइव एंटर किया तो लूप आपका कहाँ से चला, वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स लूप चला। एक काम अपन कर सकते हैं, ये दो चीजें आपको तो पता है कि नंबर जो है खुद से डिवाइड हो, वन से डिवाइड होगा ही और खुद से डिवाइड होता ही है, आप एक काम कर सकते हो लूप को कहाँ से स्टार्ट कर सकते, टू से लेके फोर तक, मतलब आई इक्वल्स टू टू से लेके कहाँ तक जाएगा क्लास, आई लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर, नम माइनस वन ना, एक कम, यस सर, एक कम चलाओ, यहाँ पर बताओ काउंट कभी बढ़ेगा क्या, अगर प्राइम नंबर तो काउंट आएगा क्या यहाँ पे कुछ, नो सर नहीं आएगा, तो काउंट काउंट हमेशा क्या आएगा जीरो, नहीं आ रहा समझ, मैं लॉजिक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपने जो लूप अगर चलाया जैसे वन, मुझे सेवन चेक करना है, सेवन प्राइम है कि नहीं, तो मैं एक लूप चलाता हूँ कहाँ से, वन से टू से थ्री, सम अभी तक जो ये दिखते आ रहे हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हम लोग चला है, यहाँ पे काउंट हमेशा कितना आएगा, काउंट कितना आएगा सेवन के लिए, काउंट कितना आएगा टू आएगा सर, टू, अगर मैं काम करता हूँ, आपको ये तो पता है पहले से कि हर बार वन से नंबर डिवाइड होता ही है और खुद से होता ही है, तो मैं क्यों ना एक काम करूँ लूप जो है कम चलाने के लिए, मुझे आप जो आप जब आप बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करोगे जितना कम लूप चलाओगे उतना आपकी प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा होता है, उसको बोलते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन, आप लोग पढ़ोगे आगे, तो यार मैं दो टाइम एक्स्ट्रा लूप क्यों चलाऊं, एक काम करता हूँ मैं जो टू से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज आपको हर बार तो पता है कि नंबर खुद से डिवाइड होता ही और वन से डिवाइड होता ही है, तो मैं काम करता हूँ लूप को स्टार्ट करूँगा टू से, और कहाँ तक चलाऊँ बेटा, नम माइनस वन तक चलाऊँ, तो प्राइम नंबर कब होगा, प्राइम नंबर कब होगा जब काउंट के लिए कितना आएगा जीरो, जीरो, नहीं आ रहा समझ, आ रहा है सर, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे प्राइम नंबर, यहाँ पे वो तो काउंट डिवाइड होगा नहीं, तो काउंट में से कितना आएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा, अदर देन जीरो आया तो क्या करूं, प्राइम नंबर नहीं है, है ना, क्लास समझ आ रहा है क्या, आप देखो सेम प्रोग्राम क्या कर सकते हो, यस सर, ये कहो आप टू से स्टार्ट करो और लूप को क्या करो एक कम चलाओ, प्राइम नंबर कब होगा जब काउंट के लिए हमेशा क्या आएगा जीरो ही रहेगा, जीरो, जीरो, तो आपका देखो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ लूप्स है वो दो टाइम हमारा कम हो गया, तो हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कर दिए, इसको बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट क्लास? यस सर, यस सर, तो आप लोग एक काम करना, सभी बच्चे जो हमने पढ़ा अभी तक यहाँ से व्हाइल लूप से पढ़ा था हमने, व्हाइल लूप से जो भी प्रोग्राम हमने किया है सारे के सारे प्रोग्राम आप बनाओगे किससे, सारे सारे प्रोग्राम किससे बनाओगे, डू व्हाइल से, डू व्हाइल, डू व्हाइल, यस सर, सारे प्रोग्राम, ठीक है, यस सर, और जहां पर भी डाउट होगा, आप मुझसे पूछेंगे,
और कल से मैं स्टार्ट करूंगा पूछना, मैं किसी भी एक बच्चे से क्वेश्चन उठा के पूछूंगा, ठीक है? या आप स्टार्ट एग्जाम क्लास स्टार्ट होने से पहले आप डाउट पूछो तब तक, ओके क्लास? यस सर। यस सर। ओके, आप मुझे अटेंडेंस भेज दो, कोई बच्चा कौन भेज रहा है? सर मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, आप भेज दो। ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो, किसी को डाउट है? सर वो गो हाँ, टू स्टेटमेंट वाला समझ नहीं आ रहा था। गो टू स्टेटमेंट, एक सेकेंड।